विदिशा के सिरोस थाना क्षेत्र के इमलानी रोड पर करंट लगने से करीब आधा दर्जन गायों की मौत का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी लगते ही हिंदू संगठन के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, वहीं बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। बताया जा रहा है कि इलमानी रोड पर एक खेत में तार फेंसिंग में करंट छोड़ा गया है। जिसकी चपेट में आने से करीब आधा दर्जन गायों की मौत हो गई है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही क्षेत्र में हिंदू संगठन के लोग एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए लापरवाही के आरोप भी लगाए हैं। कुरवई से आशीष सेले की रिपोर्ट। और मैं बजरंग दल में विभाग समाज का प्रमुख करने के दायित्व है। यहाँ पे क्या हादसा हुआ? यहाँ पे सूचना मिली सवेरे 6 बजे कि कुछ गाय करंट लग के मर गई है। यहाँ पर जो इसका मालिक है खेत का प्लांट का, वो तारों में करंट छोड़ता है। इस गेट में भी करंट था, कुछ लोगों को, आदमियों को भी इसमें करंट लगा है। बिजली विभाग को सूचना मिली नहीं मिली? मैंने बिजली विभाग को 6:30 बजे सूचना दी थी और वो लोग मेरे ख्याल से 10 बजे के आसपास आए। प्रशासन अधिकारी आए या नहीं आए? पुलिस आई थी 7 बजे के बाद करीब, उसमें भी कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति नहीं आया था। एक हेड साहब आए थे और 3-4 उनके संग में पुलिस वाले आए थे। मामला कितने समय का, कितने बजे का आई? पुलिस आई थी 8 बजे करीब। नहीं, ये जो गाय खत्म हुई ये रात की घटना है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।